रामपुर का मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय इस वक्त विवादों में है। विवाद यह है कि आजम खान ने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कई लोगों की जमीन जबरदस्ती ली और उनसे जबरदस्ती जमीन लेकर इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। इसके साथ साथ आरोप यह भी है कि शहर के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ से कई सारे कीमती चीज़ों को लाकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में रखा गया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लड़कों का क्या सोचना है, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का क्या सोचना है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में क्या कुछ इन लोगों के लिए है और कैसे इन लोग यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं और क्या कुछ इन लोगों के विचार हैं जिस प्रकार से पूरा विवाद चल रहा है। आप बताइए, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, जिस प्रकार से विवाद चल रहा है क्या कहेंगे इस पर, कैसी आप लोग की यहाँ पर पढ़ाई और जो क्या विवाद चल रहा है इस पर कितना आप सच मानती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सारा गलत है जी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन हमें यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप इस तरह से मुकदमे क्यों कर रहे हैं? आप यहीं रामपुर की रहने वाली हैं? नहीं, मैं स्वार रहने वाली हूँ, स्वार की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर आने का, न्यू एडमिशन है मेरा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जमीन हड़पी गई, यहाँ पे दूसरे संस्थान से किताबें ले जाके चोरी से रखी गई, क्या आप मानती कि वो सब सही है या फिर जिस प्रकार से यहाँ का माहौल उठी? ये गलत मान रही हूँ जो भी यहाँ पर हो रहा है। ये मतलब बात आपने पहले क्यों नहीं की, जिस टाइम ये हो रहा था आपने पहले क्यों नहीं बोला, इस टाइम क्यों बोल रहे हैं आप? और भी हमारे साथ छात्राएं, उनसे भी हम जानेंगे। आप बताइए, आप भी यहाँ पे पढ़ाई करती हैं, क्या लगता है आपको, कैसी यहाँ पे पढ़ाई वगैरह मिलती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई वगैरह अच्छी हो रही है? यहाँ पे पढ़ाई वगैरह तो बहुत अच्छी है लेकिन ये जो हो रहा है वो गलत है। ऐसे जब कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलवाएगा तो ये तो नहीं है कि चोरी की किताबें आएंगी। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो किताबें आ सकती हैं, वैसे भी चोरी की तो नहीं होंगी जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो। बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये गलत है, जो भी हो रहा है उनके लिए अच्छा होना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारी स्टडी अच्छी से हो। इसको लेकर क्या आप लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित है जिस प्रकार से इस पूरा केस चल रहा है, आप लोगों की पढ़ाई भी क्या इससे प्रभावित होती है? यस सर। किस तरीके से पढ़ाई प्रभावित होती है? सर लेक्चर नहीं हो रहे टाइम टू टाइम और हम ऑटो से आए थे तो आने भी नहीं दे रहे थे। आने भी नहीं देते आप लोग को जब आप लोग बाहर से आते हैं? तो जब आप लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं या फिर बाहर जो आप लोग से चर्चा करते हैं? आने दे रहे थे पुलिस वाले। जब आप लोग यहीं पे पढ़ती हैं आपसे बाहर भी कई लोग पूछते होंगे इसको लेकर, क्या कुछ पूछते हैं उन लोग, क्या कुछ आप लोग उनको बताती हैं? सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी है, लेकिन हमारा तो यही मानना है पढ़ाई अच्छी है। पढ़ाई यहाँ पे अच्छी है? जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे बुक्स वगैरह जो लाई गई है लाइब्रेरी में वो चोरी की है और जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाने में ज़मीन जो है जबरदस्ती ली गई है किसानों से, क्या आपको लगता है कि ये सब सही है यहाँ पे? सर ये सही नहीं है, नहीं लगता। और भी कई सारे यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस जो पूरा विवाद चल रहा है इस पे उनके क्या विचार हैं और किस तरीके से उनकी पढ़ाई इन सारी चीज़ों को लेकर प्रभावित हो रही है। आप बताइए कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें दोषी कोई नहीं है, ये कॉलेज जो है ठीक है और सारा जो इल्ज़ाम है झूठा हुआ लगा हुआ है इस कॉलेज के ऊपर, और कोई ज़मीन नहीं छीनी गई है, ये सारी ज़मीन रजिस्ट्री हैं और जो भी विवाद है प्रशासन बहुत परेशान करा है स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट पुराने जो है वो जूनियर्स और सीनियर बहुत परेशान है आने के लिए, और आज भी कुछ लोग आए तो वो प्रशासन उन्हें बहुत रोका, सारा चेक किया और फिर उसके बाद डीएल और सारा कुछ डिटेल मांगी तो उसके बाद अलाउ किया। स्टूडेंट के लिए बहुत परेशानी, और जो सीनियर स्टूडेंट है वो इस वजह से कुछ बीमार भी है, मेरे दोस्त हैं कुछ मेरठ साइड के, वो बीमार है वो नहीं आ पा रहे हैं, बोले बहुत ज़्यादा परेशानी है हम रुक के आएंगे। किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है? इस बेस पे किया जा रहा है, इतने मुकदमे हैं, कोई अभी भी आता भी कल कुछ बच्चे आए हॉस्टल के तो पुलिस वाले गेट पे लगे हुए तो उन्हें अलाउ नहीं किया, आने नहीं दिया, काफ़ी परेशान हुआ बेचारे, रिटर्न गए फिर वापस, तो काफ़ी परेशानी स्टूडेंट के लिए भी है और सामना करना पड़ रहा काफ़ी स्टूडेंट को। आप बताइए यहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह है वो कैसी है और जो ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद से यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? विवाद के बाद से काफ़ी ख़राब हो गया सर, जिससे क्या कुछ खराबी आई है माहौल में? माहौल में जो बाहर के बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सर यहाँ पे हॉस्टल में खाना वगैरह का जो भी करते हैं वो लोग वो नहीं आ पा रहा है टाइम टू टाइम, और जो बाहर के स्टूडेंट लोकल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इतनी चेकिंग हो रही है, हेलमेट कहाँ है आपका, ये कहाँ बुक है, डीएल दिखाओ, सारी चीज़ें जो कभी पहले नहीं होती थी।
तो आप यहाँ लोकल रहने वाले कि हॉस्टल रहते हैं? लोकल लोकल गाँव सर में। तो आसपास जैसे आप जो लोकल गांव के हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी को लेकर क्या चर्चा है? क्या लोग मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, वो सही है? सर ये सब झूठ हैं, लोगों का मानना है कि ये गलत है। जो आजकल जो सरकार है इन पे आरोप लगा रहे हैं उल्टे, क्योंकि ये बुकें भी हैं जो आलिया मदरसे से बताई जा रही हैं, उन बुकों में आजम खां को किस टाइम पे वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल ने गिफ्ट की थी, और उन पर आज ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ से चोरी हुई हैं बुकें, ये झूठे। और यहाँ की ज़मीन का मामला है वो भी सारी आजम खान के पास रजिस्ट्री हैं, और जो है बाकी कुछ। आपको क्यों लगता है कि क्यों झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे? सर क्योंकि जब किसी की एकदम तरक्की होती है तो लोग उनसे जलते हैं। देखिए आजम खान की तरक्की पहले से भी हो रही है, खैर और भी कई छात्र छात्रा हैं उनसे हम पूछेंगे। आप बताइए ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें आपके क्या सोच है, आप क्या सोचती हैं इस पूरे विवाद को लेकर? सर मुझे लगता है कि बस ये सर वैसे ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है और हम लोगों के लिए हमारा फ्यूचर मतलब सिक्योर कर रहे हैं वो, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। सर यहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसी मतलब पढ़ाई की कोई भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है जितनी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो फीस वगैरह आप लोगों की क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है क्या, फिर फीस वगैरह ज़्यादा है जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रहती है? सर नहीं सर, बहुत कम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, AMU है या दिल्ली में है, सर बहुत ज़्यादा फीस होती है, वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम आराम से पढ़ सकते हैं सर, हमारे पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं होता। तो आप यहीं रहती है कि हॉस्टल में रहती है, लोकल रहने वाली? लोकल क्यों, तो लोकल जहाँ के आप रहने वाली है वहाँ जिस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है उसके बाद आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस वाले क्या कुछ कहते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर? सर घर वाले तो सर बहुत डरते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे दंगे फसाद नहीं हो जाए, या अगर बंद हो गई तो सर हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या होगा सर, हमारी जो मतलब 1 ईयर हमारा वेस्ट हो जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी तो नहीं बंद होगी लेकिन जो विवाद चल रहा है, चाहे वो किताब चोरी का हो या फिर ज़मीन का विवाद हो, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी इसमें सच्चाई है? सर हमें नहीं लगता कि कोई भी सच्चाई है इसके अंदर, सर वैसे ही सर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बस। आप बताइए कि जो ये पूरा विवाद चल रहा है इसके बाद आपने आपके मन में क्या बात आ रही है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर? कुछ नहीं, बस ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्यों विवाद ऐसा खड़ा किया जा रहा है, क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन बस आजम खान को जल रहे हैं उनसे सब लोग और कुछ नहीं। उनके ऊपर वो मुसीबत आती है ना सब तरफ से आती है, बस कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग यहाँ पढ़ाई करती है, पढ़ाई का माहौल यहाँ पे कैसा है? बहुत अच्छा है। टीचर वगैरह रहते हैं? हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं सब। फीस वगैरह आपकी क्या है, रीजनेबल रेट है या फिर जिस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस होती है उस तरीके से? कम ही है फीस। तो फीस कम है आपकी? तो रामपुर में एकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ पे तमाम लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ ऐसा ही है। अब आप बताइए कि ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें आप लोग की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है? सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्या क्या डिस्टर्बेंस आ रही है आप लोग की पढ़ाई में? सर पहले तो आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आज सर 3-4 बार चेकिंग हुई, पुलिस ने बहुत चेकिंग करी, एडमिट कार्ड दिखाओ वगैरह बहुत ज़्यादा। तो एडमिट कार्ड सभी के देख के तभी आने देते हैं? यस सर। और क्या क्या आप लोग से यहाँ पे पूछताछ पुलिस करती है या फिर जो बाहर सिक्योरिटी वाले वो क्या क्या पूछते हैं आपसे? उन्हें पुलिस क्या पूछती है जब आप लोग आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो क्या कुछ पूछती है पुलिस आपसे? सर पहले तो हमें रोक लेती है, फिर कि अपना एडमिट कार्ड दिखाओ कहाँ पर जाना है, फिर हमारे ऑटो वाला भैया को भी रोक लिया था कि अपना सब लाइसेंस वगैरह सब कुछ दिखाओ, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी अंकल को, फिर हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी आने में इसलिए। जब से ये पूरा विवाद चल रहा है तब से टीचर वगैरह आ रहे हैं, रेगुलरली क्लास चल रही है? सर आज तो हम 1 अगस्त है तो सर आज से 1st क्लास लगी थी, तो सर आज इतनी प्रॉब्लम हो रही थी हमें, सर अब हम कल को आएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म हुआ और फिर हमारी स्टडी अच्छे से हो। आप लोग सेकेंड ईयर के छात्र हैं, 1st ईयर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई वगैरह का माहौल कैसा इस पूरे यूनिवर्सिटी? सब बहुत अच्छा है। टीचर वगैरह सारे हैं? यस सर, सब सर टीचर्स लेक्चर लेते हैं टाइम से, लैब होती है, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स वगैरह सब होते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि क्यों फिर इस तरीके का विवाद खड़ा किया जा रहा है? सर पता नहीं, लेकिन ये जो भी हो रहा है वो गलत है सब। जाहिर सी बात है कि ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी होती है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी सस्ती फीस पे पढ़ते हैं, और इसके बाद जिस प्रकार से इस पूरा विवाद खड़ा हुआ उसके बाद आज पहला दिन था छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय में, और पहले ही दिन जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पे धरना प्रदर्शन होना था उसके मद्देनज़र यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और उसके बाद इनकी कई सारी क्लासेस आज मिस हुई। इनका कहना है ये सारा विवाद जल्द खत्म होना चाहिए जिससे इनकी पढ़ाई बिना अवरोध के चलती रहे और ये अच्छा जो है शिक्षा ले सके।
बहरहाल देखना यह कि पूरा विवाद कब तक चलता है, जिस प्रकार से एक के बाद एक विवाद और तोड़ते जा रहे हैं इसमें, क्या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में विवाद जल्द थमेगा या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अविनाश तिवारी, बीगंगा, रामपुर।